माहौल देख रहे हैं? देखिए, आप लोगों को पता ही होगा किस तरह का माहौल है, और हमने वो चीज को देखा है जो छात्र जीवन से राजनीति में, जो दूसरा नेता जो गलती करता है वो गलती हम नहीं किए। ज़्यादा खाने से, ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा टहलने से, ये चीज़ परहेज करते हुए अभी 5 साल हम चला, और उस 5 सालों में हमने इस पोटका विधानसभा के लिए, जो झारखंड बनने के बाद नहीं, जो भारत आज़ाद बनने के बाद जो नहीं हो पाया था, और वो करके दिखाया इस पोटका विधानसभा के, और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी, इस गठबंधन की सरकार ने जो भी कल्याणकारी योजना राज के गरीब जनताओं के लिए जो योजना बना के देने का काम किया, ये भी सराहनीय है कि राज के लिए प्रथम होगा कि पहला ऐसा योजना होगा हमारे जनताओं को मिलने का काम। एक तो कैबिनेट, पूर्व कैबिनेट मंत्री की शक्ति है, कितनी बड़ी चुनौती नहीं है? ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम तो 5 साल उनका लोगों के बीच में रहे हैं, 5 साल उन लोगों हार सुख में दुख में रहे हैं, और साथ ही साथ हम पहले उठते थे उनको उठाते थे और उनको सुलाते थे, उसके बाद हम सोते हैं। ये 5 साल उन लोगों के बीच बिताए हैं। ये क्या 5 साल में तो कभी उन लोगों को चेहरा देखा था जो हमारे कैंडिडेट हैं जो आप बताएं? 5 साल में कहीं नहीं देखा हो। ये पैराशूट से आए हैं, अभी उतर रहे हैं। ये पैराशूट वाला पोर्ट का विधानसभा में नहीं चलेगा, और वो कहते हैं पोटका में कुछ काम नहीं हुआ है। अब बताइए, 2 साल कोविड काल, और तो कोविड काल के बाद जो काम हुआ है, और जो आज उनका माना जाता था खरसुआ सीट है, और वहाँ नहीं लड़के भागे भागे यहाँ है, कहीं तो कुछ बात है। और वैसे जैसे भागे भागे हैं ना, पोटका की भी जनता ऐसे भागे भागे वहीं भेज देगा उनको। और बात यह है, और बोलता है पोटका में कुछ काम नहीं हुआ है, ये तो 2 साल की बात है। लेकिन इस झारखंड की जनता ने जब राज विभाजन नहीं हुआ था, उसमें पहला विधायक भी बनाया, पहला मंत्री भी बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया, इस जिले के लिए 2.5 साल के लिए सांसद भी बनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री भी बनाया, और केंद्र में जनजातीय मंत्री भी बने। अब बोल दे हमारा आदिवासी समाज के क्या काम किए हैं, और आदिवासी समाज जब उनके ही सर्वे में जो 2021 की जनगणना जो सर्वे होना था, उसमें आदिवासी को कोड नहीं था, आदिवासी का कोड नहीं था, तो मांग क्या इस राज्य की जनता ने, आदिवासी जनता ने, तब केंद्र सरकार नहीं दिया, तब इस सरकार ने कैबिनेट से पारित, कैबिनेट विधान सभा से पारित करके भेजने का काम किया केंद्र सरकार के, उस समय जनजाति मंत्री थे, कहाँ दिला पाए। और बात करते हैं पोटका में, और जो मिला था भी वो तो इस सरकार ने ही लोगों तो काटा है, ओबीसी की आरक्षण इन लोगों का मंत्री मंडल परिषद में बाबूलाल मरांडी, और इन लोग का परिषद में 27% था, और उसी को काट के इन लोग किया 14%। जब हमारा सरकार गठबंधन की सरकार ने इसको पुनः विधानसभा में पारित करके 27 किया, तब वो लोग बोल नहीं रहे। सोचना है पोटका विधानसभा का ढोंगी बाबा है, इसलिए वहां से तोड़ाया, और ढोंगी बाबा लोग से पहचानिए, 5 साल में कहीं जनता नहीं है, इन लोगों को कहाँ रहता नहीं है, हमारे विधानसभा के अंदर की वोटर भी नहीं है। जब कानून बनता है, चलिए वार्ड लड़ेगा तो वार्ड क्षेत्र से, मुखिया लड़ेगा पंचायत क्षेत्र से, ठीक है, जिला परिषद उन्हीं क्षेत्र पर, लेकिन जनता को दायित्व होता है ना कि हम किसको मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ये 2.5 साल जैसे संसद बना के जनता ने ठगा है और खोजा है, और वैसे अगर कई गलती किया जनता, ये 5 साल खोजने में परेशान हो जाएंगे, खोजते खोजते उनका द्वारी तक नहीं मिलेगा, घर तो दूर की बात है, द्वारी तक नहीं मिलेगा। इसलिए जनता सब जान रही है कि कौन उसके दुख सुख में है, कौन उसके साथ पहुंच रहा, कौन दिन रात सेवा कर रहा, इसलिए गठबंधन की झोली में और माननीय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस जनता ने ठान लिया है, और आगामी 23 तारीख को दिखेगा।